बेंजिमा द बैलन डियोर विनर। हम लोग को पहले ही पता चल गया था कि बेंजी इस साल रियल मद्रिद छोड़ के जा रहा है सऊदी की किसी क्लब में, मोस्ट प्रोबेबली अल इत्तेहाद। पर सडनली बेंजिमा का इंटरव्यू आया एंड बेंजिमा ने बोला कि इंटरनेट इज नॉट रियल। तो हम लोग बेंच तो बिलीव कर लिया बेंजिमा के बाद में, लगा कि इस सीज़न रहेगा फिर नेक्स्ट सीज़न चला जाएगा, कोई बात नहीं। बट इतना बड़ा ब्लफ ठीक नहीं था, पूरा फैन बेस की एकदम मूड माँ बहन का एक कर दिया बेंजिमा ने। हम लोग को पता था रियल न्यूज़ था, तुमने भी मान लेता तो उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि अभी ये ट्रेंड चल रहा है, जो भी कैप्टन है वो नेक्स्ट सीज़न क्लब को छोड़ ही रहा है। इस सीज़न बेंजिमा, लास्ट ईयर था मार्सेलो एंड उससे भी लास्ट ईयर था अल कैप्टन और रामोस, हर कोई छोड़ रहा है। बट ब्लफ करने की कोई ज़रूरत नहीं था, रोनाल्डो ने पहले ही कहा था कि बड़े प्लेयर आ रहे हैं एज सऊदी प्रो लीग वांट टू मेक ए बिग लीग इन द वर्ल्ड एंड दे आर ऑन द पाथ। धड़ाधड़ न्यूज़ आ रहे हैं, एक एक प्लेयर छोड़ के जा रहा है। बेंजिमा का आज शाम को न्यूज़ आया एंड बुरा लगा, पर ठीक ही है, बेंजिमा ने ठीक डिसीजन लिया। अभी पैसा तो ज़रूरी है, पर सीज़न 100 मिलियन मिल रहा है सऊदी में, पापा पेरेस बचा लेना। आज का डिसीजन था, ईडन हैज़ार्ड का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, ये बहुत बढ़िया था। बेंच में बैठा था ईडन हैज़ार्ड, प्रीमियर लीग से आया था चेल्सी से, कुछ कर नहीं रहा था। एंड एसेंसियो ने भी PSG ज्वाइन कर लिया, सिर्फ और सिर्फ डिपचर ही हो रहा है। एसेंसियो हुआ, मारिनो एंड बेंजिमा, इनकमिंग कौन होगा पता नहीं। बट इंटरनल न्यूज़ आया कि हैरी केन वांट्स टू मूव रियल मद्रिद, एंड मेरा भी डिसीजन यही है कि हैरी केन को ले आओ, प्रूवन स्ट्राइकर है, पर सीज़न 30 गोल का कंट्रीब्यूशन देता ही है। सो हैरी केन को मस्ट लाओ एंड एम्बाप्पे को बारे में भूल जाओ 2-3 साल, कोई बात नहीं। एंड काई हैवर्ट्ज़ मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, पापा पेरिस तुम्हारे हवाल, मद्रिद यारो बचा लियो। डर का माहौल है रियल मद्रिद में, बट न्यूज़ है कि रूबन फोर स्ट्राइक अटैकर को लेके आएगा रियल मद्रिद, हैरी केन, काई हैवर्ट्स एंड रॉबर्टो फर्मिनो, लोतारो मार्टिनेज, इस सब से थोड़ा बहुत लिंक है। ब्राहिम डियाज भी वापस आएगा एंड लिंगम आ रहा है। अच्छा है कि क्रूज और मॉड्रिच ने 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है, बट ऑफिशियल हो जाए जितना जल्दी उतना ही बढ़िया है। अभी सऊदी प्रो लीग के बारे में बात करते हैं, मेसी भी फ्री एजेंट, रामोस भी फ्री एजेंट, जॉर्डी अल्बा भी फ्री एजेंट, बुस्केट भी फ्री एजेंट एंड बेंजेमा तो ऑलरेडी रियल मद्रिद लीव कर रहा है। सो लगता है सब लेजेंड को एक टीम में लाने का प्लान है सऊदी अरब। अल नासर में रोनाल्डो, अल इत्तेहाद में बेंजेमा, अल हिलाल में लियोनेल मेसी, रामोस। चलो देखते हैं सऊदी प्रो लीग कैसा जाता है। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हाला मद्रिद।